तो दोस्तों ये सब चीजें तो सबको पता थी, ये सेटिंग्स बहुत पहले आ चुकी थी व्हाट्सएप में। अब इसमें नई चीज क्या है, नया अपडेट क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप में अपने जो चैट्स होते हैं उनको लॉक कैसे कर सकते हैं और हाइड कैसे कर सकते हैं, ये चीजें सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी अंत तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा नंदू नाम से, ठीक है, इस पर हम टैप करेंगे। ठीक है, टैप करने के बाद यहां पे जाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद आपको यहां पे सिंपली चैट लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको यहां से हम एनेबल कर देंगे। ये देखिए एनेबल करने के बाद यहां से कंटिन्यू करना है हमें। कंटिन्यू करने के बाद आपकी फिंगरप्रिंट मांगेगा, ये आपको फोन का लॉक देना होगा, इसको फिंगरप्रिंट दे देना है, ये आपका एनेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको सबको पता होगा कि इसको स्लाइड करने के बाद हम अपनी वो चैट ढूंढ सकते हैं जो हमने अभी अभी हाइड करी है। ठीक है, यहां से वो देखिए कॉन्टेक्ट चला गया है नंदू नाम का, और वो हाइड हो गया है, लॉक चैट में चला गया है। आप देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है लॉक चैट का, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद दोबारा फिंगरप्रिंट मांगेगा, हमको उसको फिंगरप्रिंट दे देना है। फिंगरप्रिंट देने के बाद ये देखिए ऑन हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंदू नाम से जो हमने हाइड किया था वो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, हमारी चैट यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीजें तो सबको पता थी, ये सेटिंग्स बहुत पहले आ चुकी थी व्हाट्सएप में। अब इसमें नई चीज क्या है, नया अपडेट क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको ऊपर तीन बिंदी दिख रही होंगी, यहाँ पे तीन बिंदी पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद चैट लॉक सेटिंग्स में जाना है। चैट लॉक सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा हाइड लॉक चैट्स, ठीक है, इस पर आपको इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहां पे दिख रहा है यूज माय सीक्रेट कोड, ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। यहां पे हमें एक चार डिजिट का सीक्रेट कोड डालना होगा, कोई नंबर या कोई नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहां पे वॉइस लिखकर लिख देता हूं। ये देखिए वॉइस लिख दिया मैंने, ये ऑन हो गया, सीक्रेट कोड की सेटिंग हमारी नीचे ऑन हो गई, ये भी ऑन हो गया। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे, ये देखिए हम जितना भी इसको स्लाइड करेंगे हमारे चैट निकल के नहीं आएगी जो हमने अभी अभी हाइड करी है। उसको हमें लानी कैसे है, हम कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ से आपको सिंपली सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको वही सीक्रेट कोड टाइप करना होगा जो हमने उस समय लॉक करते समय डाली थी। तो ये देखिए हमारी लॉक चैट्स का ऑप्शन ऊपर आ चुका है, इसको हम ओके करेंगे, यहाँ से हम इसको एनेबल करेंगे, देखेंगे हमारी सारी चैट देखो निकल करके आ गई है। ठीक है, इसके बाद इस ऑप्शन को बंद करने के लिए सिंपली हमें यहीं जाना होगा, देखिए चैट लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको ऑफ करेंगे, फिंगरप्रिंट देंगे, फिंगरप्रिंट देने के बाद ये सिंपली ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं गाइस हमारी चैट लॉक हमने ऑफ कर दी है। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे, देखिए इस नाम यहाँ पे हमारा नंदू नाम से शो करने लगा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं और अपने फोन में जो भी चैट्स आपकी इम्पोर्टेंट है उनको हाइड कर सकते हैं ताकि कोई पढ़े ना। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छी चीज ये व्हाट्सएप ने अपडेट लेकर आया था, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलता हूँ एक और हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।